ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादे श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सब वैष्णव को मेरा नमो प्रणाम। जो महाराज से जो भी लेक्चर सुनी हूँ मैं उसको कैसे दोहरा सकती हूँ, इसीलिए आप सभी का कृपा का जरूरत है। और मैं अशुद्ध मन से बोलते बोलते जो गलती हो गया उसी से क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्णा। महाराज बता रहे थे निधि वन में एक दिन लीला हुआ। निधि वन में निकुंज रस में भगवान कृष्ण और राधा रानी थे, उसी में लीला होते होते उनको रात को रेस्ट लेना था। तो वे जब रेस्ट ले रहे थे उनको स्वप्न आया। महाराज यहाँ बता रहे थे कि स्वप्न राधा रानी को आया। स्वप्न कब आता है? जब स्वप्न तभी आता है कि हमारा मन किसी दूसरे जगह में है और उसी के बारे में हम सोचते हैं, तो तब जाके स्वप्न आता है। तो सपनों जब आता है, पर राधा रानी को क्यों आया? क्योंकि कृष्ण तो पास में ही है। राधा रानी को मन और शरीर में ऐसे कोई अंतर नहीं है। उनका मन किसी दूसरा चीज को सोचता है और राधा रानी खुद यहाँ कृष्ण के पास है, ऐसे तो नहीं है। तो राधा रानी तो वो तो हमेशा उनका मन उनका वो अचिंत्य है। तो उनका ऐसे कोई मन और शरीर में कुछ अंतर नहीं है। तो फिर वो राधा रानी के स्वप्नों में क्यों आए? तो उसी में राधा रानी क्या स्वप्न देखते हैं कि एक सुंदर युवा गौ उनका रूप पूरा तप्त कांचन रूप था और इतना लंबे है। तो वो जब वो इतना स्वप्न देखे तब तुरंत राधा रानी जग गए और बोले मुझे ये स्वप्न क्यों आया? फिर मेरे पास तो रसराज मेरे पास ही है, तो फिर मुझे स्वप्न क्यों आया? फिर राधा रानी भगवान को उठाते हैं, बोलते उठा उठा प्राणनाथ की देखिला अकस्मात एक जुबा गौरवरना की बतारा रूप कमा जिनी कत कोटि कमा रस राजा रस रस दाना अश्रु कंप पुलक दे अबभूषणी नाचे गाए मोहमत होइया अनुपम रूप देखी जुड़ाइला मोर आखी मन जाए तहारे देखिया। राधा ने बोले कि हे प्राणनाथ उठो उठो मुझे क्या अकस्मात मुझे ये स्वप्न क्यों आया? और वो एक जुवा गौर वरन है और उनका जो रूप है वो तो कोटि कोटि काम स्वरूप, बस उन्हीं के को ही वो काम काम देवता वो उन्हीं से तो समा गया। वो इतना सुंदर है और वो तो रसराज है, पर मेरा मन तो किसी दूसरे पे नहीं है। मेरा मन तो रसराज बस आपके ही मन आप ही के सेवा में है, पर मेरा मन उनको क्यों देखा? और देख के मेरा मन उन्हीं से उन्हीं के पीछे भाग रहा है। मुझे उनके ऊपर अट्रैक्शन क्यों हुआ? और उनका जो शरीर है अश्रुकंप वो बस रोते हैं और इतना भाव में बहुत महामत हो के वो नाचते हैं और उनका जो रूप देखे मेरा आंख उनसे निकल नहीं पा रहा है। वो क्यों है? वो मेरा मन में तो ऐसे कुछ नहीं। मेरा तो इतना स्वप्न था वो क्या वो भगवान का पता नहीं था?
था, भगवान बस दिखाना चाहते थे कि उनका मन में इच्छा हुआ कि भगवान मैंने राधा रानी को जो प्रेम है, मैं वो प्रेम को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हीं का ही दिल चुरा के, बस उन्हीं का जो मेरा जो शरीर है उन्हीं का जो दिल चुराऊंगा तभी मुझे उन्हीं का जो प्रेम मुझे पता चलेगा। तब जाके भगवान ने उनका बस राधा रानी को दिखाना चाहते थे, ये वो दिखाना चाहते थे, तो इसीलिए भगवान का इच्छा से ही वो राधा रानी का मन में आया है। तो भगवान राधा रानी को पूछ रहे हैं कि ठीक है तुम अच्छे से और बताओ तुमने और क्या क्या देखा है, तो मैं बता सकता हूँ शायद वो कौन है। तो फिर राधा रानी बता रहे, द्वादश तिलक अंग स्कंदा उपबीता, तुलसी रकंठी गले बुझिबा पंडित, कुंचित कुंतरे चूड़ा रचिता सुंदर, कोटि नेत्र गच्छी पर शुभ्र पटम्बर, अंगे पुलक अश्रु कंप भवे उत्तरोल, महामते नाचे गाए बोला हरि बोला। उनका जो शरीर है, उनके शरीर में वो 12 तिलक अंग में है और वो जीनून पहने हुए हैं और उनका गले में तुलसी माला, मतलब उसका वो एक पंडित है कोई, और उनका जो बाल है वो बहुत ही कर्ली हेयर है और वो वाइट पहने थे, और उनका जो शरीर में इतना भाव में जो प्रेम में जो अश्रु निकल रहे वो इतना, और उसी में नाच गा के वो हरि बोल ही बोल रहे थे। तो बोले कि राधा रानी बोले कि मेरा वो संदेह तो दूर करो, वो मैं आप ही के सिवा मैं किसी को नहीं जानता, पर फिर भी वो मुझे क्यों आए, इतना अट्रैक्शन क्यों लग रहे। फिर राधा रानी इतना बोल के वो बेहोश हो गए। फिर राधा रानी बेहोश से उठ के बोले, काला काला भालो पाए मोहे से ही ते उदे से, काली कलंकी ने हो या छेक बनबा से, जाति कुल लज्जा धर्जा दिया विसर्जना, तुम्हारा गर्भे आमी दिया अनुचरण, किंतु हेरी विपरीत स्वप्न रे घोरे, गौरांग असिया मोरे नील फम पोरे। बोले मैं तो काला को प्यार करती हूँ क्योंकि ये तुम तो काला हो तो मुझे काला ही पसंद है, और मैं उसी के लिए काली कलंक नहीं भी हो गया, मुझे सभी ने अभी तो कलंक लेके ही घूम रहे हैं, पर फिर भी मैं उसी को ध्यान नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे तो आप ही चाहिए, तो आप जहाँ रहते हैं मुझे वही पसंद है, मैं इसीलिए घर भी छोड़ के आके वन में रह गया। तो फिर और जब पर मैं आप ही के गर्भ में गर्भ मतलब मैं आपको ही आपका जो जितना वो जो काली कलंक की जो भी मुझे मिला है मैं उसका गौरव समझ कर बना मेरा, मैं उसी में ही बच के आजकल जिंदा हूँ। तो फिर मेरा वो जो स्वप्न में जो आया वो जो विपरीत, मैं जो आप ही के लिए मैं सब कुछ कर रही हूँ फिर भी मुझे वो जो स्वप्न में वो पूरा तो विपरीत था, और वो जो गौरंग आके वो तो पूरा मुझे आ, आ, क्या मुझे द्विधा में छोड़ दिए। तो फिर कृष्ण बोल रहे कि चलो इनको बता देते हैं क्योंकि उनका बहुत ही डाउट हो गया, अब इनको क्लियर करना है वो कौन है। बोल के गौरंग नुहे ते अन्य रमणी रमणा, तोमाते आमाते एक अपूर्व मिलना, स्वरूपे अभिन्न सेता शुद्ध रूपांतर, तब भाव कांति ढाका मोरे कले गौरव। तो यहाँ बता रहे कि वो गौरंग कोई अन्य रमणी रमण नहीं है, वो तो तुम और हम दोनों का मिलन है, और वो क्या है वो हमसे अभिन्न है और हमारा शुद्ध रूपांतर है, वो आपका भाव का भाव लेके और हमारा शरीर को ढाका हुआ वो लेके वो आए हैं, वो कोई दूसरे नहीं है। तो फिर बोले कि हम आपका वो जो प्रेम नहीं समझ पाए इसीलिए मैंने आपको बेस बना के मैं वो आपका जो भाव वो लेके आके मैं वो गौरंग बनने जा रहे हो, तो इसलिए आपका इसमें कोई गलती नहीं है, वो गौरंग कोई दूसरे नहीं है, वो तुम और हम दोनों का मिलन है। तो राधा रानी बोले कि ठीक है वो गौरंग रूप वो कैसे है, मुझे फिर एक बार कैसे आप बन रहे हो मुझे वो दिखाओ। तो फिर जब वो राधा रानी को गौरंग रूप दिखा रहे थे, फिर उनके लिए दिखाने के लिए कुछ क्योंकि राधा रानी देखेंगे वो खुद में देखेंगे या साइड में नहीं, तो फिर उसके लिए एक दर्पण का, तो फिर बोले कि दर्पण अभी कहाँ लाएंगे अभी तो ऐसे कुछ नहीं है। फिर यार फिर बोले जब भगवान ने कौस्तुभ मणि पहने थे उनका जो शाइनिंग है उसी से राधा रानी वो सामने जो हो रहा है वो देख पा रहे थे। तो फिर जब राधा रानी देखा कि भगवान का शरीर भगवान कैसे
राधा रानी के हृदय के अंदर घुस रहे हैं, और वो जो त्रिभंगी घानी था उनका भगवान का, वो तुरंत गौर सुंदर बन गए। और जब गौर सुंदर बन गए, राधा रानी तुरंत मूर्छित हो गए। जब मूर्छित हो गए तो फिर उनको जगाने के लिए क्या है, जब ललिता विशाखा के पास में थे, वो मूर्छित होते थे, वो सिर्फ कृष्ण कृष्ण नाम बोलते थे। जब मूर्छित होते उनको जगाने के लिए, मूर्छित से उठाने के लिए, जब देखा तो रहा कृष्ण बोले कि अब क्या बोले उनको, वो तो गौर सुंदर का रूप देख के उन्होंने मूर्छित हो गए। तब वो तुरंत गौरंग गौरंग बोले हैं। जब वो गौरंग गौरंग बोले तो राधा रानी तुरंत मूर्छित से बाहर आ गए। तो ये हम अभी क्यों, क्योंकि राधा रानी का जो भाव है वो तो टॉप मोस्ट है, वो बहुत ही ऊपर है, और वो भाव को वो गौरंग महाप्रभु इस कलयुग में आके इसी में कलयुग में भगवान आके वो जो प्रेम हमको देने के लिए, वो तो बहुत ही टॉप, वो टॉप लेवल का प्रेम है। पर वो क्या है, वो नाम नाम में वो प्रेम रख दिया है। जो नाम करेंगे उसी से हमारा हृदय का शुद्ध होगा, हमारा हृदय का प्यूरिफाइड होते होते तब हमें वो नाम नाम और प्रेम का रस मिलेगा। तब ये हमारा चैतन्य चरितमृत में स्वरूप दामोदर प्रभु बोलते हैं, वो आशीर्वाद वचन देके बोले हैं कि गौरंग प्रभु जी कौन है। वो बता रहे हैं, अनर्पिता चरिम चिरात करुणा यह अवतार कलो संप्रयतम अनु उन्नत उज्ज्वल रसम शोभक्ति हरि पराट सुंदर द्वियश कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरो स्फुरत सचिनंदनाय। वो जो प्रेम है वो कब से किसी को दिया हुआ नहीं है, वो नाम में प्रेम किसी ने दिया नहीं। और वो जो प्रेम वो ला के कौन दे रहे हमें, करुणा बता रहा हूँ। कौन करुणा बता रहे, वो गौरंग महाप्रभु है। और जो गौरंग महाप्रभु दिया रहे, वो जो दे रहे वो क्या है, उन्नत उज्ज्वल रसम शो भक्ति श्रियम। वो उन्नत है, वो उज्ज्वल रसम कौन है, वो माधुर्य रस है। वो माधुर्य रस वो दे रहे, कैसे दे रहे, वो शो भक्ति, वो खुद का जो भक्ति वो दे दे रहे। पर कृष्ण अवतार में ऐसे ऐसे नहीं दे रहे थे, वो सभी को, युधिष्ठिर को भी वो प्रेम दिए हैं, अर्जुन को भी दिए हैं, वो हनुमान को भी दिए हैं, सबको दिए। पर वो उन्होंने वो साक्षर रस, वो दास्य रस वो सब दे रहे थे, पर भक्ति रस किसी को नहीं देते। भक्ति रस वो जिसको गोपी लोगों को मिला था, और वो गोपी लोग ने क्या करते, उंगली में नचा रहे थे भगवान को, क्योंकि उनको प्रेम प्राप्त हो गया। तो इसीलिए भगवान कृष्ण वो मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, पर वो भक्ति किसी को नहीं देंगे। वो भक्ति के लिए वो उनका जो लेवल है, वो लेवल खुद का सिलेक्ट होना पड़ेगा, तब जाके उन्होंने भक्ति देते, वो भक्ति देंगे। पर गौरंग महाप्रभु ऐसे, हम वो कलयुग में हमें वो क्वालिफाइड नहीं है, फिर भी उन्होंने क्या, वो प्रेम को रखने के लिए वो बर्तन बना के हमें वो दे रहे कि तुम ये लो, वो करोगे तब जाके तुम्हारा वो प्यूरिफाइड होके तुम वो नाम ले सकते और प्रेम भक्ति को प्राप्त होगा। वो खुद का भक्ति वो देके वहां यहाँ गए, और यहाँ बता रहे कि सदा हृदय कंदरो स्फुरत सच्चिनंदनाय। और उनका हृदय कंदर में कैसे है कि सच्चिनंदन यहाँ बना बोला गया है। वो पहले जिस जिस अवतार में भगवान आए थे, वो सभी में वो उनका मम्मी का नाम नहीं लेते, पापा का नाम लेते, क्या दशरथ नंदन बोलते हैं, नंद नंदन, पर यहाँ सच्चिनंदन ही बोला गया, कल जगन्नाथ नंदन नहीं बोला गया। उनको पता है कि उनका पापा जगन्नाथ है, पर वो बोले नहीं, वो सच्चिनंदन बोले। क्यों बोले, क्योंकि वो मातृ का जो प्रेम लेके आए हैं। जैसे माँ किसी बच्चा वो धूल हो जाते हैं तो बोलते नहीं कि मारते नहीं कि क्या धूल धूल हो गया, अरे धूल हो गया तो ठीक है, उसको सजाते हैं, उसका धूल पहले जो झाड़ लेते हैं, फिर कपड़ा कपड़ा चेंज कर लेते हैं, उसको धो लेते हैं, उसके बाद अच्छे से कपड़ा पहना देते हैं, खिला पिला के अच्छा बच्चा जैसे निकाल देते हैं। यो क्या है, वो माँ का प्रेम है। और वो चैतन्य महाप्रभु वो है कि वो माँ का प्रेम देने आए, वो माँ का प्रेम लेके वो माधुर्य रस देने आए हैं। तो महाराज बता रहे कि वो गौर और कृष्ण, हम ये दोनों को एक ही साथ करेंगे तो हमें कृष्ण प्राप्त होगा, क्योंकि वो गौर रंग महाप्रभु जो दिए हैं वो सीक्वेंस है, वो प्रणाली है, हम उसी को ही फॉलो नहीं करेंगे तो हमें कृष्ण मिलेगा नहीं। जैसे कोई बच्चा वो क्वालिफाइड है 10th एग्जाम के लिए, पर ऐसे कोई स्कूल गया नहीं,
और उसका सर्टिफिकेट क्लियरली नहीं है, तो फिर वो जो 12th जाएगा उसी को कोई एडमिशन नहीं लेगा, क्योंकि उसको तो पता है कि वो 10th लेवल का एग्जाम दे सकता है, पर वो रिजल्ट उसको जो बाद में जो एडमिशन है उसको नहीं मिलेगा। तो ये है गौर का जो प्रणाली है, जो सीक्वेंस है, वो हमें फॉलो नहीं करेंगे फुटस्टेप्स, तो हमें कृष्ण का भजन हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी गौरंग बाकी सारे लीला में भगवान गौरंग भगवान ने सभी में अस्त्र उठाए किसी किसी को मारने के लिए, पर यहाँ गौरंग महाप्रभु किसी को मारने के लिए अस्त्र नहीं उठाए। वो इतना भाव में थे कि दुरुमति अति पतित पाषंडी प्राणे न मारी लकारे हरि नम दिया हृदय सुधीला हरि नम दिया हृदय सुधीला जाची गया घरे घरे। तो वो इतना हम जैसे पतित लोगों को नहीं मार के हमें वो हरि नाम देके हमारा हृदय को शोधन करके और हमें वो भक्ति का बीज हमें देने आए हैं। तो इसीलिए हम गौरंग महाप्रभु को छोड़ के हम कृष्ण को नहीं मिल सकता। इसीलिए हम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, उसके बाद हम तुरंत हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम गौर और कृष्ण का आश्रय है, इसीलिए हम वो जो गौरंग महाप्रभु जो दिव्य प्रेम को देने आए हैं और उसी में जो आचार्य है हमें भी और प्रोपत उसको बहुत ही कॉम्प्रोमाइज करके 16 राउंड्स पे भी पहुंचा दे, हम उसी को भाव में करना चाहिए ताकि हमें इस कलयुग से और इतना सुंदर जैसे हमें भूखा रहना भी नहीं पड़ता, हम कभी भी खा के वो हरिनाम ले सकते हैं, पर इसी के लिए कोई इतना ऑस्टेरिटी का जरूरत नहीं है। तो फिर हमें जो सिंपली दिया है और उसी को हम फॉलो करेंगे ताकि हम वो माधुर्य प्रेम का आस्वादन करेंगे। वो बहुत ही लेट हो गया इसलिए। अरे मंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। मेरे से जो गलती हुई उसी से माफ कर दीजिए। हरे कृष्ण।